हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। देखिए ये बॉक्स है, इसमें पंखा आया था टेबल फैन, और मैंने इसको फेंका नहीं। मैं जानती थी मैं इसको यूज़ में ही ले लूँगी, इसमें प्लांट्स वगैरह लग जाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी गहराई ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं। और मैं अब इसमें ये छेद करूँगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से इसमें छेद हो रहे हैं। ये मैं ना सुबह का वीडियो अपलोड कर रही हूँ, हल्की हल्की सी धूप भी आ गई है। ये मैंने देखिए छेद कर दिए हैं, और अब मैं इसमें वो सूखे पत्ते डाल दूँगी जो छत पे हम झाड़ू लगाते हैं ना, जो पत्ते इतने झड़ते रहते हैं पीले होके या ऐसे ही, तो मैं इसमें वही पत्ते डाल दूँगी। देखिए मैंने पत्ते डाल दिए हैं, मैं चारों तरफ फैला दूँगी। और अब मैं इसमें मिट्टी डालूंगी। ये हमारी गार्डन की ही मिट्टी है। बस इतनी ही डालूंगी, क्योंकि ऊपर तक नहीं डालना है, फिर पानी डालेंगे तो मिट्टी सारी बाहर आ जाएगी, तो मैं इसमें बस इतनी ही मिट्टी डाल पाऊंगी। मैं इसको फोड़ लूँगी, थोड़ी सी वो ढेले वगैरह हो गए ना रखी रखी मिट्टी, इसलिए मिट्टी को मैंने फैला लिया है पूरे में। और अब मैं पैकेट्स जो बीज है ना उसको खोलूँगी और इसमें लगाऊँगी बीज को। मैं इसमें क्यारी जैसी बना लूँगी मिट्टी में 5-6, और इसी में ही लगाऊँगी। अगर इसमें मुझे कम पड़ेगा तो मेरे पास एक तसले में रेत भी रखी है जो टंकी से निकलती है ना, जो हम लोग जब मोटर चलाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी रेत इकट्ठी हो जाती है, तो सालों में उसकी टंकी साफ़ करते हैं तो काफ़ी सारी रेत निकली थी, तो मैंने फेंकी नहीं, रख ली है। और अभी मैं दिखाऊँगी आगे वीडियो में। ये मैंने ये बीज लगा दिए हैं। पहले लाइन सी बना ली है मैंने क्यारी सी, उसी में ही मैंने अच्छे से डाल दिए हैं बीज, और फिर मैं इसके ऊपर मिट्टी से ढक दूंगी। ये देखिए मैंने मिट्टी से ढक दिया है, अब फिर मैं दूसरी क्यारी बनाऊंगी। ऐसे ही मैं 6-7 क्यारी बना के, और इसमें पैकेट्स जो बीज आए हैं ना मैं उसी को इसमें डाल दूँगी। 81 रुपीज़ में मुझे बहुत अच्छे से बीज मिल गए हैं। आप भी अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगा सकते हैं, मैंने मीशो से मंगाए। ये देखिए मैं सारे बीज ऐसे ही डाल दूंगी। ये रेत है हमारे पास टंकी के अंदर से निकली थी, इसमें पानी भरा जाता है ना वो टंकी के बीज इसमें लगा दिए हैं। ये रेत है, ये हमारी टंकी में निकली थी रेत, जिसमें पानी नहीं भरा जाता है समर चला के, उसमें ये रेत निकली थी, ये उसी में मैंने लगा दिए हैं। इसमें बहुत जल्दी ही जर्मिनेट हो जाएंगे, और इसमें तो लगा ही दिए थे, मैंने पानी भी डाल दिया है। अभी कुछ ही दिनों में ये बीज सारे जर्मिनेट हो जाएंगे। आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।